ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसी कई बातें बताई गई है जो कि मनुष्य के लिए बहुत ही काम की होती है। अगर इन बातों का ध्यान न रखा जाए तो देवी लक्ष्मी रूठ सकती है और घर परिवार को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज हम आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताई गई ऐसी ही 8 बातों के बारे में बताएंगे जो देवी लक्ष्मी को अप्रिय होती है। जिस भी घर में ये काम होते हैं वहाँ देवी लक्ष्मी की कृपा नहीं बनती। 1. पूजा से संबंधित किसी भी मूर्ति या सामग्री को सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। अगर कभी मूर्ति को जमीन पर रखने की आवश्यकता हो भी पहले उसके नीचे कपड़ा जरूर बिछा दें। 2. ढलता सूरज या ढलता चांद देखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे करने से सेहत के साथ साथ इंसान के धन पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। 3. रविवार के दिन कांसे के बर्तन में भोजन करना वर्जित होता है। ऐसा करना घर परिवार की तरक्की और सम्मान के लिए शुभ नहीं माना जाता। 4. कहीं भी बाहर के आने पर घर में प्रवेश करने से पहले अपने पैरों को साफ पानी से धोकर शुद्ध कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर कई तरह की नेगेटिविटी घर में प्रवेश कर सकती है। 5. सूर्यास्त या दिन के समय किसी भी दंपत्ति को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से धन की देवी लक्ष्मी रूठ जाती है और परिवार को पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है। 6. पुरुष को कभी भी पराई स्त्री पर नजर नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष को ग्रंथों में दानव के समान कहा गया है। ऐसे करने वालों पर देवी लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं बनती। 7. पुराणों के अनुसार महिलाएं घर की लक्ष्मी के समान होती है। जिस घर की महिलाएं घर में अशांति फैलाती है और लड़ाई झगड़े करती हैं, वहां पर दरिद्रता वास करने लगती है। 8. जिस घर में बुजुर्गों, मेहमानों और महिलाओं की निंदा की जाती है, उनका अपमान किया जाता है, वहां पर भी देवी लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं बनती।